सो गाइज, अगर आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन में रूटिंग ऑप्शंस को तो सुना ही होगा कि रूटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन में रूटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं और फ़ोन को रूट करना चाहिए या नहीं और किस तरीके से आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। सो गाइज, जानने में इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, माय नेम इज़ दीपक, यू वॉचिंग टेक्नोलॉजी को। सो गाइज, हम सबसे पहले जानते हैं कि फ़ोन में रूट क्या है और किस तरीके से हम अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। तो रूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको करने के बाद में आपके फ़ोन में एक सुपर पावर आ जाती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। इस फ़ोन को रूट करने के बाद में आप अपने फ़ोन में से इंस्टॉल ऐप को भी डिलीट कर सकते हो, अपने फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हो और अपने फ़ोन के जो वर्जन है उसको भी अपग्रेड कर सकते हो और इसी तरीके से आप मतलब बहुत ही काम कर सकते हो। तो दोस्तों, हम अब जानते हैं कि मतलब आप अपने फ़ोन को रूट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी मतलब प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पर जाना होगा और गूगल पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा किंग रूट। किंग रूट लिखने के बाद में जो सबसे फर्स्ट URL आएगा तो आपको उस पर क्लिक कर किंग रूट नाम के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर बस कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसको करने के बाद में आपको फ़ोन रूट हो जाएगा। सो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपने फ़ोन को रूट मत करें, पहले ये पूरी वीडियो देख ले, फिर उसी के बाद में यह डिसीजन ले कि आपको अपना फ़ोन रूट करना है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आप फ़ोन रूट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसान और फ़ायदे और नुकसान। तो इसमें जो पहले हम इसके फ़ायदे जानते हैं कि फ़ोन को रूट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो फ़ोन रूट करने के सबसे पहला फ़ायदा है कि आप अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, यानी कि आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम है, आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसकी मदद से इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाकर फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और जो इसमें दूसरी जो फ़ायदा है हमारा, वो है कि आप अपने फ़ोन के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे आपके फ़ोन का वर्जन जेली पिन है तो आप उसे लॉलीपॉप है तो मार्कमेलो में अपग्रेड कर सकते हो। तो इसी तरीके से मतलब आप अपने वर्जन को अपग्रेड कर सकते हो। और जो इसमें जो हमारा तीसरा फ़ायदा है वो है कि अपने फ़ोन में जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं, जो मतलब कंपनी के द्वारा ही आपके फ़ोन में इंस्टॉल आते हैं, जो आपके फ़ोन में से डिलीट नहीं होते, तो फ़ोन रूट करने के बाद में आप उसे भी आसानी से डिलीट कर सकते हो। और जो इसमें आपका फ़ोन है, जो आपका फ़ोन मतलब 4.4 यानी कि 4.4 किट कैट से कम का है या उसका है, तो आप उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो फ़ोन रूट करने के बाद में आप उसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। और दोस्तों, आप अब तो हमारे फ़ोन में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर आ गया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जानते हैं इसके नुकसान, यानी कि डिसएडवांटेज। तो जो इसमें सबसे बड़ा नुकसान है, जो हमारा सबसे फर्स्ट नुकसान है, वह है कि आपको अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो फ़ोन रूट करने के बाद में आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर आपके फ़ोन में कुछ हो जाता है और आप कस्टमर केयर के पास जाते हो कि मेरे फ़ोन में कुछ हो गया है, मतलब कुछ भी हो गया है, तो आपके फ़ोन को ठीक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी वारंटी रूट करने के बाद में आपके फ़ोन की वारंटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरे में जो हमारा दूसरा नुकसान है, वो है कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली वायरस आ जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐप्स है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि फ़ोन रूट करने के बाद में हमारे फ़ोन को ब्रिक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्रिक यानी कि ख़राब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे आप अपने फ़ोन को ख़राब भी कर सकते हो। तो ब्रिक होने के बाद में आपका फ़ोन ठीक नहीं हो सकता। तो गाइस, अब आप समझ सकते हो कि आपको अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेरी मानो तो आप अपने फ़ोन को रूट ना करो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फ़ोन मैं भी अपना रूट करने के बाद में, यानी कि मैं उसका वर्जन को अपग्रेड करना चाहता था, क्योंकि मैं भी उसको ब्रिक कर चुका हूँ। तो मेरा तो यही सलाह है कि आप अपने फ़ोन को रूट मत करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। और दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।